गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, अभी हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं बस अड्डे पे, एंड आज हम जा रहे हैं कोटद्वार का वापस। पर कोटद्वार तो नहीं जा रहे अभी, अभी जाएंगे हम बाजपुर, और बाजपुर से कल जाएंगे हम कोटद्वार। तन्वी तो ठंडा लग रहा है, तन्वी देखो हेलो बोल दो। अभी वो कुछ नहीं बोलना चाहते, तो अभी बस का वेट कर रहे हैं। बस तो अभी कह रहे हैं 8 बजे तक आएगी, पता नहीं कितने बजे आती है। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं क्योंकि बस से। सो गाइस, अभी बचे हैं सुबह के 5:30, मतलब 6:45 हो चुके हैं, एंड पापा आ रहे हैं हमको छोड़ने के लिए लोहागढ़। तो चलिए सब लोगों से विदाई ले लेते हैं अब। चलो ठीक है, पीते रहो, गोवा को जाकर खुट्टी जाया करते हैं। नहीं है, ठीक हो रहा है। बाय बाय। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं एंड पापा हमें स्कूटी से छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे की बस है, तो इस वजह से हमें 6 बजे से पहले निकल रहे हैं। आधा घंटा हमें लगभग लोहागढ़ पहुंचने में लगेगा। एंड गाइस, देख सकते हैं इतना सुंदर मौसम और इतना अच्छा वेदर है यहाँ का, और नज़ारे तो क्या कहे। ये सब छोड़ के हम फिर से वो इस सड़ी गर्मी में जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, तन्वी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही, और हमारी तन्वी को देखिए ज़रा, उसे नींद आ चुकी है क्योंकि सुबह सुबह उठा दिया था ना मैंने, इस वजह से। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में, एंड सीट भी हमें मिल चुकी है। तो जो बस हमें मिली है वो मिली है हमें रुद्रपुर तक, फिर रुद्रपुर से चेंज करनी पड़ेगी बस। सुबह से अभी हम लोग खा रहे हैं चिप्स, एंड आधा पहाड़ तो निकल चुका है एंड आधा ही बचा हुआ है। अभी तन्वी को वॉमिट नहीं हुई है, मम्मी को भी नहीं हुई है, एंड तन्वी के फेस में अभी चोट जो देख रहे हैं इसको मैं बताऊंगी बाद में, थोड़ी देर में बताती हूँ क्या हुआ है। तो दोस्तों, अभी हमारी गाड़ी रुकी है इतने ऑसम व्यू के पास। तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो यहाँ पे ना टीका हीका लगाते हैं मंदिर का। तो अभी हम लोगों ने टीका हीका लगाया है। तन्वी तुम भी दिखाओ ज़रा, ऊपर करो, फेस करो, ये देखिए। सो गाइस, यहाँ पे अभी बस रुकी है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वही रेस्टोरेंट है मिडवे। तो मुझे तो हो रही है यहाँ पे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, बस में नहीं हुई, मैंने नींद निकाल ली थी, पर यहाँ उतरते ही बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगी है। सो गाइस, अभी यहाँ पे रुके हैं तो ब्रेकफास्ट करें, एंड मैंने मंगाया सिंगल पराठा। तन्वी को तो खाना नहीं है, मुझे वॉमिट हो गया, पर भूख तो लगी गई है ना, इस वजह से खा ले रहे हैं। तुम नहीं खाओगे? सो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, एंड देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और ऊपर कभी जाएंगे तो वहाँ गर्मी होने लग जाएगी। एंड अभी तो मुझे वॉमिट हुए, अब खा के पता नहीं कैसा होता है, दोबारा से होती है नहीं होती है। और बस मुझे मिली है रुद्रपुर तक, तो रुद्रपुर तक जाएंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। चना जो रायता खाया ना, वो जुकाम लग गया उससे। सो गाइस, ये वही रेस्टोरेंट है मिडवे, जिसको मैंने जल्दी जल्दी में मडवे बोला था, तो अमित मजाक बनाते रहते हैं मेरी। एंड तन्वी को देखिए, और अब बस थोड़ी देर में निकलते हैं, टाइम हो चुका है 10 बज गए, और अभी हम टनकपुर पहुँचे नहीं है, मुझे लगता है 11 बजे तक पहुँचेंगे। अभी तो हम सिन्याणी हैं, तो सिन्याणी से लगेगा 1 घंटा, लगभग 1 घंटे में पहुँचेंगे हम टनकपुर। तन्वी कैसा लग रहा है फिर पापा के पास जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है बताओ? पापा के पास थोड़ी, हाँ सूरज मामा के पास जा रहे हैं। तो बस रुद्रपुर पहुँचे हैं, बस चेंज किया, और हालत देखी गई, ऐसी हालत हो गई ना गर्मी से। हम आगे बैठे हैं, कैसा हो रहा गर्मी? सबसे आगे बैठे हैं। बच्चे हैं 3:30, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बाजपुर। और इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरे तो इतना सर दर्द हो रहा है, बता नहीं सकती। तन्वी आपका सर दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? तन्वी को तो मजा आ रहा है, और मेरी तो हालत खराब हो गई है बेकार। पहुँचते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस, तन्वी पहुंच चुकी है एंड सरप्राइज़ देने वाली है, क्योंकि उनको पता नहीं है हम आने वाले हैं, हम आ चुके हैं मतलब। हेलो
तभी ले गई इसे बांगड़े यहाँ छोड़ जाती हमारे पास। तन्नु कौन आ गया ये? इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था है? वो नीला पढ़ रखा देख तो ले कम से कम, वीडियो बना दी तेरी, वीडियो खत्म कर दूंगा। इधर आ, क्या रखा इधर है ना, ऐसे मुंह खोल इधर दे दे, इतना मार दे रे पागल। हैरी किन्ने मारा बाबू, क्यों मारा रे? तुम हंस रहे हो यार दोनों के दोनों, तुम कुछ कहते भी नहीं है यार, हद होती है यार। ना बाबू हंस रहे हो, बंदे का बहुत बुला दिया तू। कहो सुबह से इंतजार करी, क्या लाया बोल, क्या लाया कॉप्स के, क्या लाया बता पहले। कॉप्स में तो अपनी शर्ट लाया होगा कॉब, ये क्या लाया, ये बैग, क्या है ये बैग, क्या रखा है बैग, चाबी चाबी कोल्ड ड्रिंक पीछा। अरे वाह कितना सुंदर पर्स है, कपड़े लाता, कपड़े नहीं लाया तू तो कपड़े का साइज पूछ रहा था। ये वो है, ये जो बैग देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, प्यार कर दे अब मामा को। मामा को तो हमेशा ही प्यार हुआ, जितने चोट देख के तो मेरे को रोना रखा है। अब मैं क्या कहूँ तेरी मम्मी को, लाओ गला दिखाओ। बड़ा हो रहा है, छोटे उसमें लगा, छोटा हो जाएगा ये, छोटा हाँ ये छोटा हो जाएगा। चैन कम ज़्यादा उसमें लगा देगा ना, ब्लॉक कह रही है उसका, ब्लॉक हो जाता मुँह रखा है उसका बेचारी का, फोड़ रखा हमने। तू वीडियो बना रही, तेरा वीडियो में सब डिसलाइक करवा दूंगा सारे, यहाँ मार मार दिया सब, कोल्ड लगा कोल्ड पी के फ्रीजर में रख दे, गर्म हो रही है ये। तनु दिखाओ, तनु कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा, कैसा लगा? बहुत प्यारा है ना, दिखाओ कितना प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट एकदम। सो गाइस मैं आई यहाँ पे और सूरज का आपने देख लिया कुछ तक, तो अब वो बोल रहा हॉस्पिटल ले चलो उसे दिखाने के लिए, तो अभी रेडी होगी उसके साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल, दिखा के लेकर आती हूँ क्योंकि उसमें वो खून जम सा गया है। तो और बोली दर्द, अभी चलो कोई दर्द नहीं बोली थी, अब बोली दर्द हो रहा है, दांत में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है, तो हमने कहा दिखा लाते हैं, अब यहाँ जाके नोटेंगे कर लेंगे, तो दिखा लाती हूँ अपना डाउट सारे क्लियर कर लेती हूँ। अब वो हॉर्न बजाने लग गया, मैं निकलती हूँ जल्दी से। अभी निकल चुके हैं हम लोग, कल भी देखो कल नहीं कर देते। सो फ्रेंड्स तन्वी को दिखा लिया हमने एंड इसने मेरा करवाना था ना खर्चा, खैर खर्चा तो क्या है, पर ये है कि हमें तसल्ली हो गई एक बार के लिए कि उसको कुछ नहीं हो रखा है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि खाली ना वो हो रखा है, ये ब्लॉग थोड़ी बना दिया, डॉक्टर बोल रहे थे कि खाली खून जमा है, अगर दर्द होता तो वो अगर उसके कोई चोट होती तो वो खाना आना नहीं खा पाती, और ये तन्वी तो प्रॉपरली खाना खा रही है तो ऐसा कोई मेजर वो नहीं है। एंड इसके मुँह में थोड़े से छाले वगैरह हो रहे थे तो वो भी दिखा लिए, दवाई वगैरह ले ली है। एंड अब निकल रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल से, कहाँ को जाते हैं पता नहीं, कहाँ ले जाता है, जहाँ ले जाएगा वहीं चल देंगे हम भी। सो गाइस वहाँ से आने के बाद अभी हम आए हैं, हमारे जो चप्पल वाले भैया है ना, हमारे चप्पल वाले भैया मतलब जिनका गोदाम है, देख सकते हैं इतना बड़ा गोदाम है, मतलब 5 मंजिले गोदाम है, तो यहाँ पे आए हैं। तो जब भी हम आते हैं तो जूते चप्पल जो भी ले जाने होते हैं हम यहीं से ले जाते हैं।
तो अभी जूते वगैरह चप्पल वगैरह देख रहे हैं, दिखाना हाँ इस टाइप के ही देखते हैं। सो गाइस अभी हम लोग घर जा ही रहे थे तो अभी गुरुद्वारा बना है यहाँ पे नया, मैंने मतलब बहुत टाइम से नहीं आई हूँ तो नया वाला गुरुद्वारा घूमने आए हैं, बहुत ही सुंदर बना है। कल मैं आऊँगी दोबारा से इसको देखने के लिए एक बार अगर टाइम मिलेगा, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इतना सुंदर है ना। चलो गुरुद्वारा को ये था जो कि अब नहीं है, अभी नया बनाया गया है ये वाला जो पीछे है, और देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लाइटिंग वगैरह है, और अंदर तो इतना सुंदर है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब सुबह जितने दिन में दिखने में जितना सुंदर लगता है ना, रात को भी उतना ही प्यार लगता है। एंड मुझे कड़ा प्रसाद भी मिल गया जो कि मेरा फेवरेट है, और मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, तो बहुत दिनों बाद खा के और अच्छा लगा। तो अभी हम आ रखे हैं फास्ट फूड शॉप पे, तो यहाँ से लेंगे कुछ खाने पीने की चीज़ें, और सूरज पता नहीं क्या क्या दिला रहा है तन्वी को, तन्वी का जो मन आता है वही ले लेती है वो, पता नहीं क्या खरीद रहे हैं ये दोनों। कल खिलाऊंगा, देख सकते इतना गर्मी हो रही है पसीना, एंड तन्वी अंदर जाके बैठी हुई है, ओ देखिए एसी में। सो गाइस ये देखिए, ये है हमारे यहाँ की रामराज रोड, यहाँ पे पोलो में देखिए कैसे तिरंगा रंगा लगाता है, तिरंगा वाली लाइट। एंड अब गाइस हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, को बहुत सारा सामान खरीद लिया है, जूते चप्पल वगैरह, एंड सूरज ने खूब सारा पैकिंग वगैरह करा दी है खाने पीने की, और अब घर में जाएंगे और खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आज हो रहा है बहुत ज़्यादा सर दर्द और थक भी चुके हैं काफ़ी हम, तो घर में जाके सीधे आराम करते हैं आज। सो गाइस हम लोग आए थे 9 बजे वहाँ से मार्केट से, और 9 बजे आने के बाद गोलगप्पे तो खा ही लिए थे मैंने थोड़े से मार्केट में, और यहाँ लेकर आए थे हम लोग दही भल्ला और स्प्रिंग रोल, तो थोड़ा सा एक चम्मच दही भल्ला खाया मैंने और एक स्प्रिंग रोल का पीस मतलब टुकड़ा सा खाया, तो पेट भर गया था तो इसलिए एक ही रोटी खाई, और बस रोटी खा के जस्ट बैठी हूँ, आज कुछ काम है नहीं, कुछ काम करना नहीं है आज एक दिन मतलब कल और आज का दिन रेस्ट कर लेती, फिर वहाँ कोटा जाके तो वैसी रेल लगनी है मेरी, तो अभी खाना वाना खा लिया है, एंड तन्वी को दवाई लगाती हूँ जरा उसके होठों पे और यहाँ पे नीचे, ठीक है तन्वी दवाई लगानी है, दिखाओ फेस दिखाओ ऊपर दिखाओ, देखिए गाइस ये करामत होगी है मुझसे, एंड इसकी वजह से मैंने खूब डांट खाई है मेरे भाई साहब से एंड मेरे पिताजी से, तो उन लोगों ने मुझे बहुत डांटा है, तो मुझसे गलती से लग गया था इसको, गलती से क्या मतलब मैंने मारा इसको बट ऐसे लग गया इस तरीके से, मुझे नहीं पता था इतना बुरा लग जाएगा, इसके लिए मुझे बहुत गंदा लगा ना ना। सो गाइस इसके मैं लगाती हूँ दवाई, वैसे अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि बाहर से खून का थक्का लग गया है, तो दवाई लगाते हैं इसको, और इसको लगाने वाली दवाई भी है खिलाने वाली दवाई भी है, ताकि थोड़ा अंदर से पेन वगैरह ना हो, वो कर लेते हैं पहले। सो गाइस टाइम हो चुका है 10 बज गए हैं, एंड 10 बजे अभी मम्मी जा रही है वॉक पे, एंड गुन्नू और पापा सो चुके हैं, एंड तन्वी और मैं और सूरज यहाँ बैठे हुए थे, गुन्नू गेम खेल रहा है, पापा सो गए हैं और मम्मी गई है मेरी वॉक पे, और हम लोग को आ रही नहीं, मम्मी कहते हैं हमसे भी चलो पर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है घूमने की, और दिन भर थक गए थे, तो कोटद्वार में घूमते हैं ना, क्योंकि कोटद्वार में थके नहीं होते ना, आज तो हम थक रखे हैं वॉक पे, वो वॉक से आके कह रही हूँ क्या करके आए सफ़र से थक चुके हैं, इस वजह से नींद आ रही है, तो सो जाते हैं, और इसकी मिमिक्री मत सुनिए, देखिए भी मत, इग्नोर दिस पर्सन। सो गाइस चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नीचे बेल बटन को क्लिक कर, तो के बाद सूरज ये सुनाई कम मिलता है। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
सुबह सुबह मिलते हैं।